असल का स्टूडेंट मैं कहता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सरगोधा यूनिवर्सिटी के सालाना इम्तिहानात के हवाले से कि सरगोधा यूनिवर्सिटी के सालाना इम्तिहानात कब स्टार्ट होंगे। अगर आप मुकम्मल तफसीलात जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इंफॉर्मेटिव आप तक इजीली पहुँच रहे। ऐसे तमाम तलबा व तलबात जो कि सरगोधा यूनिवर्सिटी के अंदर जेर तलीम हैं उनके बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर जी सरगोधा यूनिवर्सिटी के जो सालाना इम्तिहान हैं वो कब तक एक्सपेक्टेड हैं। और इसके साथ ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि सर जी हमें कोई पास पेपर वगैरह ही शेयर करते हैं सरगोधा यूनिवर्सिटी के मतलब, या हमें कोई गैस पेपर ही शेयर कर दें। तो पहले काफ़ी दो तीन वीडियोस के अंदर मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर किया है, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स के लिए मैंने पास पेपर्स शेयर किए हैं सरगोधा यूनिवर्सिटी के। अब मजीद जिन तलबा व तलबात के पास पेपर्स नहीं जिनको मिले हैं अगर वो हासिल करना चाहते हैं जिस भी सब्जेक्ट के लिए, तो वो अपना सब्जेक्ट कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर दें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर उनके लिए पास पेपर्स शेयर कर दूंगा। इसके अलावा साथ ही बात करते हैं कि सरगोधा यूनिवर्सिटी के जितने भी तलबा व तलबात एग्जाम का वेट कर रहे हैं, आपने देखा कि सरगोधा यूनिवर्सिटी की जानव से कुछ प्रोग्राम्स की जो फीसेज हैं वो सबमिट हो चुकी हैं और कुछ जो प्रोग्राम्स हैं उनकी फीसेज अभी लेनी है सरगोधा यूनिवर्सिटी ने। तो जिन तलबा व तलबात की फीसेज सबमिट हो चुकी हैं उनके एग्जाम पहले स्टार्ट हो जाएंगे, और जिन तलबा व तलबात की अभी फीसेज सबमिट होनी है सरगोधा यूनिवर्सिटी की जानव से उनके एग्जाम जो है बाद में होंगे। लेकिन एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं सरगोधा यूनिवर्सिटी के, तो आपके जो एग्जाम है सरगोधा यूनिवर्सिटी की जानव से वो इसी माह के एंड से स्टार्ट हो जाएंगे और नेक्स्ट मंथ के फाइनल तक एंड तक आपके जो एग्जाम है वो तमाम के तमाम खत्म हो जाएंगे। तो अपनी तैयारी को जारी रखें। तो सरगोधा यूनिवर्सिटी की जानिब से किसी भी वक्त आपकी इम्तिहान की डेट जारी की जा सकती है। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।